इधर राइट साइड में लिखा हुआ है सीताराम और नीचे स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, और जस्ट सामने जो सेंटर में दिख रहा है पहाड़ ये भी दिखाया गया है। ये देखिए नीचे से दिखा देता हूँ, ये कितना गजब का नज़ारा है। यहाँ विराट नगर की जो कुल्फी है वो बहुत ही फेमस है। ये देखिए ये इतनी बड़ी कुल्फी है, 20 रुपये की मिलती है कुल्फी यहाँ पे, और 30 की भी मिलती है। कितनी देखो कितने कितने की मिलती है भाई साहब? 10 की 20 की 30 की। 10 की 20 की 30 की, तीन टाइप की कुल्फी मिलती है। और कुल्फी में जो स्वाद है ना वो बहुत ही गजब का है, मान के चलो कलाकंद जैसा स्वाद आता है कि कुल्फी में। तो कभी विराट नगर, मनीष भाई तो भाई चबा गए, मैं थोड़ा वीडियो शूट करके खाऊंगा। तो कभी विराट नगर अगर आप आओ तो कुल्फी ज़रूर खाना। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो सभी? आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर सिटी की विराट नगर तहसील में। और विराट नगर ये एक बहुत ही पौराणिक शहर है, यहां पर पांडवों के ज़माने का गणेश मंदिर भी बना हुआ है। अभी मैं काफ़ी हाइट पर खड़ा हूं, ये आप मेरे नीचे देख सकते हैं, इधर से दिख नहीं रहा है इस पत्थर की वजह से। और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर जो पहाड़ है ये पूरा ग्रेनाइट का पहाड़ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना कीमती पहाड़ है। ये देखिए पीछे पूरे ग्रेनाइट के पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, इस जगह पर करण अर्जुन मूवी का एक सॉन्ग था, एक मुंडा मेरी उम्र था, तो उस गाने की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। कुछ शूटिंग उस गाने की अलवर की सिलिसेट लेक में हुई थी और कुछ शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो देखिए गाने की शूटिंग में ये जो मंदिर आप देख रहे हैं पीछे, जस्ट ये वाला मंदिर भी दिखाया गया है मूवी में। अब यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो सबसे पहले मैं आपको करण अर्जुन मूवी में जो सीन लिए गए हैं यहाँ से वो दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा भीमगट्टा। इधर रखा है भीमगट्टा, जो पत्थर जो है उधर रखा है सामने। तो चलिए पहले करण अर्जुन मूवी के सीन देखते हैं और फिर मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊँगा यहाँ का, और लास्ट में फिर गणेश मंदिर के भी दर्शन कराऊँगा जो पांडवों के टाइम पर था। और पांडवों ने जो वनवास था, जो उनको वनवास हुआ था वो यहीं पर हुआ था, मतलब इन्हीं जंगलों में वो रहे थे पांडव जो थे। ये देखिए कितना बड़ा जंगल है यहाँ पर, काफ़ी पहाड़ भी हैं और नज़ारा यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। अगर बरसात के मौसम में हम यहाँ आएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, इधर राइट साइड में लिखा हुआ है सीताराम और नीचे स्क्रीन शॉट में आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा, और जस्ट सामने जो सेंटर में दिख रहा है पहाड़ ये भी दिखाया गया है। तो ये पूरा सीन यहाँ से लिया गया है। अब यहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी हैं और फिल्म के इस गाने में एक सीन यहाँ पर फिल्माया गया था। देखिए ये जो पत्थर है यहाँ पर सलमान खान लेटे हुए होते हैं, और ये जस्ट सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये दिखाई गई है, यह पूरा नज़ारा देख सकते हैं। नीचे स्क्रीनशॉट में लगा हुआ है। और इसके अलावा मैं देखिए अभी हम उधर चलने वाले हैं, और अभी हम इधर जाने वाले हैं। ये देखिए वो जो सामने चोटी दिख रही है मंदिर की, छोटा सा मंदिर है, वहाँ जाएंगे हम, इन पत्थरों में होकर निकल के जाएंगे। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पर रखी हुई हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है। अभी हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं, और ये जो मेरे नीचे पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर मैं चढ़ के आया था। तो मनीष भाई बता रहे हैं यहाँ पर ममता कुलकर्णी जो है उस गाने की शूटिंग के दौरान 2 बार गिरी थी। तो मनीष भाई तुमने शूटिंग देखी थी या फिर क्या चक्कर है, आपको कैसे पता? जब मैं वीडियो बनाने के लिए आया था ना, तो एक बाबू जी थे वो यहीं पर नहा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बताया था। अच्छा, यहाँ पर जब शूटिंग के दौरान ममता कुलकर्णी जी क्या 2 बार ये पत्थरों पे से फिसल के गिर गई। पत्थर भी यार वैसे भी बहुत फिसलन है, तो चोट वोट नहीं आई?
अब भाई वो तो मुझे क्या पता, मेरे को तो उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा हाँ। तो मनीष भाई बता रहे हैं, उनको एक अंकल जी ने बताया था जो उन्होंने शूटिंग यहाँ पे देखी थी, तो ये वही पत्थर है जहाँ पर ममता कुलकर्णी दो बार गिरी थी। सो फिल्म में एक सीन जो यहाँ पर शूट किया गया था गाने में, आप देख सकते हैं ऊपर मंदिर भी दिखा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है स्क्रीन शॉट में, आप देख सकते हैं मंदिर। तो एक यहाँ का शॉट है और देखिए यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ है। और अभी हम देखिए इधर से निकल रहे हैं पहाड़ पे ऊपर जाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे कितना चिकना पत्थर है ये, और यहाँ पर नीचे पानी भरा हुआ है, अगर जरा सा भी पैर फिसल जाए ना तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सा कुंड है ये? मनीष भाई बता रहे हैं कि तीसरे नंबर का कुंड है यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, ये देखिए पत्थर ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा सड़क बनी हो यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो बड़ी बड़ी सिलाएँ रखी हैं, इनका भी सीन लिया गया है मूवी में, लेकिन वो काफ़ी दूर से शूट किया गया था, मतलब कैमरा दूर से लगाया था और सीन नज़दीक का था। हम अभी दूर ही हैं, उधर गए नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट में दोनों पत्थरों का सीन है। और अभी एक सीन और है फिल्म का, वो दिखाते हैं आपको और फिर आपको यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं, बाकी सारी जो लोकेशन है। सो मूवी का एक सीन जो है यहाँ पर फिल्माया गया था, ये आप देख सकते हैं जो लाइनिंग बनी हुई है, पत्थर में दरार हो रखी है, यहाँ पर ममता कुलकर्णी जी हैं यहीं पर लेटती हैं तो गाना शूट होता है। और इधर साइड में यहाँ पर सलमान खान जो है निकल के जाते हैं, इधर निकलते हैं वो, तो आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन शॉट में पूरा नज़ारा। और यहीं पर पास में ये मंदिर बना हुआ है छोटा वाला जो है, ये सीन है का। सो करण अर्जुन मूवी में जो गाना था एक मुंडा मेरी उम्र दा, उस गाने में जो जो भी सीन यहाँ पर फिल्माए गए थे वो सभी लोकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अब मैं आपको विराट नगर से जुड़ी कुछ पौराणिक चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जो रखा है शिला रखी है ये भीमगट्टा है, तो इसका सीन दिखाऊँगा। और भी यहाँ पर नीचे हम जाएंगे तो नीचे गणेश मंदिर है, वो भी पांडवों के टाइम का है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पांडव जो थे उन्होंने वनवास नहीं काटा था, यहाँ पर अज्ञातवास जो होता है उनका एक साल का था होता था अज्ञातवास। भगवान राम को भी जब वनवास मिला था तब उनको भी एक साल का अज्ञातवास था, और पांडवों को भी जब वनवास मिला था तो उनको भी एक साल का अज्ञातवास था, तो अज्ञातवास उन्होंने विराट नगर में काटा था। तो अज्ञातवास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अज्ञातवास ये होता है कि पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था और एक साल का था अज्ञातवास। तो अज्ञातवास के समय अगर कोई भी जो जितनी सेना का जो एरिया वो सॉरी जितना जो राजा का जो एरिया होता है, जो राजधानी होती थी राजा की पूरी, तो उसमें से कोई भी व्यक्ति उनको अगर पहचान लेता है जिनको वनवास मिला है एक साल के अंतर्गत, तो उनको दोबारा से फिर उतना ही वनवास काटना पड़ता है जितना उनको तय किया गया था, जैसे कि 12 साल का या 10 साल का 20 साल जो भी है। तो ये होता है अज्ञातवास। तो अज्ञातवास के समय वो यहीं रुके थे और यहाँ के कई राजा थे उनके यहाँ काम किया था, तो इन जंगलों में भी वे घूमे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी जस्ट मेरे सामने जो आप ये शिला देख रहे हैं यही शिला है ये जिसको भीमगट्टा बोलते हैं, इस पर आज भी भीम के गट्टे जो हैं इनको निशान बने हुए हैं। तो कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं, इतना ही दिखा पा रहा हूँ मैं नीचे से। और ये पत्थर की खास बात यह है कि ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के, उनके ऊपर टिका हुआ है। तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे पहुँच कर। ये देखिए अभी हम आ गए नीचे, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों पे टिका हुआ है, ये देखिए नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये सीन है इसका। और इधर भी देखिए पूरा नीचे एरिया खाली है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भीमगट्टा। और इधर से भी दिखा देता हूँ, और ये देखिए ये नीचे तालाब भरा हुआ है पानी का, ये देखिए ये है भीमगट्टा, इतनी बड़ी शिला है ये। और सामने जो सीन देख रहे हैं कितना गजब का नज़ारा आ रहा है सामने से भी। सो भी भीमगट्टा का आपने जो सीन है देख लिया है। अभी हम यहाँ से थोड़ा नीचे जा रहे हैं उधर साइड में, वहाँ पर कुंड है पानी वानी भरा है, तो वहाँ आज कुंड में नहाएंगे डुबकी लगाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। और जो भी नीचे का जो सीन बचा हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे नीचे चल के भी। और एक ख़ास बात और है यहाँ पर, लंगूर जो हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप कभी आओ तो लंगूरों से ज़रूर सावधान रहें।
और अभी हम छाया में आ गए हैं, काफ़ी देर से धूप में चल रहे थे। और देखिए यहाँ पे बहुत नज़ारा मिला है देखने को, बढ़िया। यहाँ पे गौमुख लगा हुआ है, ये कुछ प्लास्टिक का पत्थर का लगाया हुआ है, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये नीचे नाली में होकर उधर कुंड में मिल रहा है पानी, तो ये पहाड़ों से निकल रहा है पानी। तो अभी चलिए अब थोड़ा कुंड दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर कुंड बना हुआ है बहुत ही शानदार, और कुंड में हम आज नहा के जाएंगे और डुबकी लगाएंगे कुंड में यहीं। ये देखिए पानी जो यहाँ पर गिर रहा है, ये बना हुआ है यहाँ पर कुंड, ये छोटा कुंड है लेकिन शानदार है देखने में। अरे झक्का सा रही है। चल गई, फोन नहीं भेज जाए ना। फिर मैं कहीं ऐसे उतरूंगा, मैं इतना उतरू अंदर ही ज्यादा गहरा उतना है तुम भीतर जाके कोई गहरा होगा। अरे यहाँ यहाँ पे एक सीढ़ी है, यहाँ नीचे वापस उतर जब बस कभी तू समाज अंदर निकल और इधर जो सामने बड़ा वाला शिला देख रहे हैं आप, यहाँ पर काफ़ी सारे कबूतर बैठे हैं, तो इसको कबूतर शिला बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, और नीचे गणेश मंदिर भी है, और गणेश मंदिर में एक काफ़ी बड़ा पत्थर है जिसपे मछली बनी हुई है, वो भी दिखाएंगे। सो चलते हैं नीचे। सो ये है गणेश मंदिर, अभी हम पीछे हैं, नीचे जाएंगे तो दिखाएंगे आपको पूरा नज़ारा। और ये पहाड़ का सीन देख लो भाई ऊपर से, ये देखिए हम पहुंच गए नीचे, मनोकामना पूर्ण करें। ये है गणेश मंदिर बाहर का सीन पूरा, और इसमें अंदर देखिए मछली की प्रतिमा बनी हुई है पत्थर पर, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर मत्स्य अवतार। ये देखिए नीचे से दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना गजब का नज़ारा है। और इधर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, और अभी हम आ गए हैं अंदर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पौराणिक ऐतिहासिक पांडव कालीन गणेश धाम विराटनगर, तो ये पांडव कालीन मंदिर है गणेश जी का, बहुत ही भव्य मंदिर है ये। ये देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है अंदर। सो अभी मैं मंदिर से थोड़ा बाहर आ गया हूँ, यानी कि जस्ट सामने हूँ मंदिर के, ये इधर मंदिर बना हुआ है, और इसके जस्ट सामने इधर पीछे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनमें यहाँ पर जो जगह हैं सभी के बारे में दर्शाया गया है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा सब कुछ, गंगा द्वार, सूर्य कुंड, महादेवा की छतरी और बलदेव नाथ जी की गुफा, भीमगट्टा, और ये सभी जगह। और देखिए रिद्धि सिद्धि कुंड, ये अभी इसमें हम नहा के आए थे हम, और रिद्धि सिद्धि द्वार, और ये लक्ष्मण प्राणदाता मंदिर, गणेश कुंड, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी जगह इतनी मैं आपको दिखा नहीं पाया। और देखिए कबूतर गट्टा जो है यहाँ, देखिए ये है कबूतर गट्टा नीचे, इधर देखिए ये दिख रहा कबूतर गट्टा, ये तो यहीं से दिख रहा है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, सुलिका चोटी और पौराणिक ऐतिहासिक पांडवकालीन गणेश धाम, तो ये गणेश मंदिर देखिए यही है। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं मंदिर से बाहर, और देखिए गणेश जी के मंदिर में हमें लड्डू का प्रसाद ही मिला है, तो आपको भी अगर प्रसाद खाना है लड्डू का, तो एक बार गणेश जी की जय बोलिए। और यहाँ पर अगर देखने आएंगे तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। लड्डू खाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको लड्डू मिलेगा, नहीं तो मैं लड्डू नहीं दूँगा आपको। और भी कुछ सीन है, चले वो दिखा देता हूँ, लड्डू भी खा लेता हूँ। हाँ बड़ा मीठा है, आपको खाना है लाइक कर लीजिए फटाफट से। और ये देखिए ये कोई यहाँ पर कुंड बना हुआ है, हालांकि मुझे नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है कौन सा कुंड है ये। और जस्ट सामने ये कबूतर गट्टा है, यहाँ पर कबूतर दाना चुगते तो नहीं है लेकिन बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पर दाना रख तो सकता नहीं क्योंकि ये पूरा फिसला हुआ है, लेकिन कबूतर आकर बैठते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको कबूतर गट्टा बोलते हैं।
और ये देखिए यहाँ से पहाड़ों का सीन क्या शानदार आ रहा है, ये देखिए गजब का नज़ारा है बहुत। अभी हम भीमगट्टा से निकल चुके हैं, करीब 1-2 किलोमीटर आगे आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हम इसलिए वीडियो एंड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सीन दिखाता हूँ आपको, क्या गजब का पत्थर रखा है, ये बहुत ही शानदार पत्थर रखा है। और देखिए यहाँ पर अभी इन लोगों ने शायद यहीं पर रावण जलाया था, ये देखिए रावण के जलाए के अवशेष जो अभी यहाँ पर बाकी हैं बचे हुए हैं। तो जानकारी के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो जगह है विराटनगर भीमगट्टा जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास काटा था, ये जयपुर से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप गूगल कर सकते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में पहले गूगल पर आप पढ़ भी सकते हैं भीमगट्टा विराटनगर सर्च करके, तो वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।